बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप सबको एजुकेटिस पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना टाइगर फोर्स की जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है वैकेंसीज का अनाउंसमेंट की गई है इमरान खान साहब की तरफ से। उसके लिए काफ़ी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स परेशान हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें यूनियन कौंसिल का नहीं पता कि उनके इलाके का यूनियन कौंसिल कौन सा है। तो मैं उसके लिए कंप्लीट मैंने एक लिस्ट बनाई है स्पेशल कैंडिडेट्स के कहने पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी तादाद में जो है वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ अप टू डेट कर रहे हैं। उसके लिए आप एजुकेटिव के साथ अप टू डेट रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है वो क्लिक कर लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह ये देखें ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास नज़र आ जाएगा आइकन, उसके ऊपर क्लिक करके आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बताते चलें कि घर बैठे अपना यूनियन काउंसिल ऑफ वोटर्स मालूमात चेक करने के लिए, तो काफ़ी दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही है। मैं वीडियो एक बना चुका हूँ कि आप घर पर बैठे SMS भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं कि मुकम्मल लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल हर पाकिस्तान के हर सूबे की जो लिस्ट है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हुए यहाँ पर आपने टाइप करना है educatives.com। जैसे ही आप educatives.com करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर जो है आपको कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप MCQs देखना चाह रहे हैं तो आपको लेटेस्ट MCQs मिलेंगे। जॉब्स वैकेंसीज हैं हर सूबे के लिए, डिफरेंट जो है जॉब वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप्स हैं, MCQs की एप्लीकेशन हैं। उसके बाद अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसमें हम लेटेस्ट जो है अप टू डेट रखते हैं। उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस पेज को जो है शेयर कर लीजिएगा। ये आपके सामने जो है सारे के सारे वो नज़र आ रहे हैं कि आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल जो है वो पोस्ट नज़र आ रही है, वो पोस्ट हैं जो बिल्कुल अप टू डेट होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने यहाँ पर आना है और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि टॉप पर आ रहा है लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल्स। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल लिखते हैं, सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जितनी भी लिस्ट ऑफ काउंसिल्स की वो सारी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने उसकी पोस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक पोस्ट है, इसलिए आपको ये आ रही है कि लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल्स ऑफ पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, AJK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, सब की जो है वो मैंने मर्ज कर दी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएंगी कि लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल्स, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, कि पाकिस्तान के हर सूबे हर शहर का अपना यूनियन काउंसिल अभी जानिए मुकम्मल मालूम के लिए, जिसमें इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा हैं। तो ये लिस्ट ऑफ आल यूनियन काउंसिल्स हैं जिसकी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर टाइम को ज़ाया ना करते हुए तो हम आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद है, पंजाब है, सिंध है, KPK, बलोचिस्तान, AJK और गिलगित बल्तिस्तान। अब सपोज़ करें मैं एक नई विंडो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सपोज़ करें चाह रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल इन पंजाब देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एक लिंक आपके सामने आ जाएगा, UC यूनियन काउंसिल्स इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। देखें ये लाहौर डिवीज़न है, यहाँ पर आपको ये भी पता लग रहा है कि लाहौर डिवीज़न कितने डिवीज़न्स हैं इस वक्त पंजाब में। लाहौर डिवीज़न 1, गुजरांवाला 2, रावलपिंडी 3, सरगोधा 4, फैसलाबाद 5, मुल्तान 6, साहिवाल 7, भावलपुर 8 और डेरा गाजी खान। 9 डिवीज़न्स इस वक्त पंजाब में काम कर रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लाहौर डिवीज़न में कौन कौन से हैं, कसूर है, लाहौर है, ननकाना साहिब है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला में देखें गुजरांवाला है, गुजरात है, हाफजाबाद है, मंडी बहाउद्दीन है, नारोवाल है, सियालकोट है, रावलपिंडी में आप देख सकते हैं। अब सपोज करें हम बात करें मुल्तान, मुल्तान में ये देखें खानेवाल है, लोधरा है, मुल्तान है, विहाड़ी है। ठीक है, तो मुल्तान डिवीज़न की हम बात कर लेते हैं, मैं सिर्फ करता हूँ मुल्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं सिर्फ मुल्तान की देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के इन प्रोसीजर ऑफ सेक्शन पंजाब लोकल गवर्नमेंट और ये है, और उसके बाद उनकी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ ये तैयार किए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मुल्तान, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। UC नंबर 1 जो निज़ामाबाद है उसका नाम है UC नंबर 1, जो अमीराबाद है उसका है UC नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुकम्मल तफसील नज़र आ रही है कि आपको अगर नहीं पता कि आपका यूनियन काउंसिल नंबर कौन सा है तो आपने सिर्फ अपने एरिया में देखना, देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है मुल्तान, उसके देखेंगे देखें नेम ऑफ रूरल यूनियन काउंसिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल
मैंने ये बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत की है अपने सारे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके बड़े सवाल आ रहे थे, तो ये इसका फ़ायदा आपको आगे भी होगा, सिर्फ कोरोना टाइगर फोर्स पे ही आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको जहाँ जहाँ ये चीज़ होगी वहाँ वहाँ इसका आपको फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब सपोज़ करें मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि लाहौर डिवीज़न में देखें, कसूर है, लाहौर है, ननकाना साहिब है, शेखपुरा, मैं लाहौर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने लाहौर के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने लाहौर की सारी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि आपका लाहौर का कौन सा है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर है, उसमें देखें ये यूसी नंबर वन, ये सारे एरियाज़ आप देख सकते हैं, बदर कलोनी, दाता नगर, सादिकाबाद, ये देखें ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये कंप्लीट डिटेल है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसको जो है मुकम्मल तफसील से देख लें कि आपका एरिया कौन सा है। आप इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा, सपोज करें आपका है मुस्तफ़ा टाउन, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ़ करता हूँ, ये देखें कंट्रोल एफ़ किया और यहाँ पर मुस्तफ़ा टाउन लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि वो आ जाएगा, ये देखें मुस्तफ़ा, ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये PDF की फ़ाइल है, तो मतलब इस तरह आप जो है सारे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट आज की डिटेल के इस तरह आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखें ये थे सारे पंजाब के, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंध की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं सिंध के वो लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल इन सिंध के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि आबाद, उसके बाद ये देखें कि ये वाले सारे इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो है वो सिटीज़ आ रहे हैं, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ कराची, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट यूनियन ऑफ कराची, यहाँ पर कौन सा आ गया, लियारी टाउन, उसमें इतनी है, नंबर ऑफ़ यूसीज उसके इतनी है। यहाँ पर देखें मैं अगर सपोज करें लियारी टाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर सदर टाउन है, जमशेद टाउन है, गतब टाउन है, ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूसी नंबर वन है, यूसी नंबर टू है, उसके बाद देखें यूसी इब्राहिम अदरी, ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप मुतलका अपना यूनियन काउंसिल देख कर अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनियन काउंसिल की आ जाएगी, सारी की सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से आपके हैं, और ये देख सकते हैं कि आपके पास जमशेद टाउन है, उसकी सारी की सारी यूनियन काउंसिल की डिटेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास एक लिंक और है, तो इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल देखना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ इस्लामाबाद के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूनियन काउंसिल आर द मेन टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, जिसमें ये देखें कि विलेज इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, फिर अराजी, ये देखें ये सारे इसके जो है वो यूनियन काउंसिल्स के नेम हैं जो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना मुतलका देख लीजिएगा, तो इस तरह ये देखें ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर देख लें तो इस्लामाबाद हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, KPK की बात करें तो KPK के सारे देखें, यूनियन काउंसिल ऑफ एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यूनियन काउंसिल ऑफ करक डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल ऑफ बन्नू डिस्ट्रिक्ट, सपोज करें मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यूनियन काउंसिल ऑफ एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि आपके पास सारे इस तरह जो है वो कैटेगरीज बनी हुई है, तो कैटेगरीज़ को आप फाइंड आउट करें। सपोज करें मैं एबटाबाद सेंट्रल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें कि आपके सारे के सारे ये आ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपना जो है वो UC यहाँ से देख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन देखकर जो है वहाँ पर आप फीड कर सकते हैं ताकि आपको आगे भी आसानी हो जाए। दोस्तों इस तरह जो है अगर बात की जाए बलोचिस्तान है, AGK के देखना चाह रहे हैं तो AGK है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो ये आपसे मैंने ये कंप्लीट डिटेल शेयर की, अब थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर एफर्ट की ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद, पंजाब है तो पंजाब, सिंध है तो सिंध, KPK है तो के। तो ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो के पाकिस्तान के हर सुबह हर शहर का अपना यूनियन काउंसिल किस तरह जान सकते हैं, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, AGK, GB। उसके बाद अभी तक अगर आपने हमारा जो है वो ये नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वेबसाइट के ऊपर जो है कोई भी पोस्ट अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल्स है, पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स हैं, उसके बाद इमदाद प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी जॉब्स की तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, AGK, ये सारे। सपोज करें मैं यहाँ पर पंजाब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पंजाब की जितनी भी जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब की बिल्कुल जो है वो रिसेंट जॉब्स अप टू डेट साथ साथ हो रही हैं, जिसके मुकम्मल तफसील अगर नेक्स्ट पेज करना है तो 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब यहाँ पर हम अप टू डेट रखते हैं, तो ये लेटेस्ट जो है वो अपडेट्स भी हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप पे जो व्यूवर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है हमारी एंड्रॉयड ऐप्स जो एम सी क्यूज़ की ऐप्स हैं वो देखना चाह रहे हैं तो एम सी क्यूज़ देखना चाह रहे हैं, ये देखें, ये अगर आप ये यहाँ पर क्लिक करके अगर ये एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट की ये तैयारी में बहुत ही मुस्तफ़ीद होगा। एक मरतबा करके देख लीजिएगा, ये ला पूरी के पूरी 21 किताबों की एक एप्लीकेशन है। ये देखें यहाँ पर, ये कंप्यूटर की सारे के सारी शॉर्टकट्स कीज़ हैं, यहाँ पर ये पूरे जितने भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डाटा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एम सी क्यूज़, देखें अगर एम सी क्यूज़ की बात की जाए तो आपको हर किस्म का बिल्कुल प्रिसाइज जो है वह एम सी क्यूज़ यहाँ पर मिलेगा। ये देखें फाइनेंस एम सी क्यूज़, ऑडिटिंग एम सी क्यूज़, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एच आर एम, केमिस्ट्री, आपको हर तरह की डिटेल जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक कम्प्लीट वीडियो के लिस्ट ऑफ यूनियन काउंसिल्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पंजाब, इस्लामाबाद, कराची, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, हर सूबे के जो है हमने लिस्ट आपके लिए जो है वो प्रिसाइज करके रख ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको अभी तक नहीं पता वो इसका फ़ायदा उठा सके, इसकी मालूमात ले सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।